हेलो। तो इस वक्त हम लोग जो है ये एक ऐसे ब्यूटी पार्लर में हैं, जो ब्यूटी सैलून में हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मेकअप में, हेयर में। वैसे आई एम रियली ऑलवेज हैविंग अ बैड हेयर डे, आई शुड बी हेयर वैसे, मगर खैर ये पीछे मेरे दिख रहा है आपको, ये सब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, 9 हैं और ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। कोई लियारी से है, कोई गार्डन से है, कोई गुलशन हदीद से आया है और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल फ्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड के अंदर बिल्कुल इनका कोई भी जरिया माश वगैरह नहीं था, तो अर्निंग नहीं थी। तो अब ये ट्रेनिंग लेके ये जॉब ढूंढेगी पार्लर्स वगैरह में और बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम, आपने क्या बताया इनको, कौन है? सनिया खुरम। तो आप क्या करती हैं? मैं अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, आप ट्रेनर हैं? यस। ओह नाइस। और ये सब कौन है भाई, बड़े अच्छे शराफत से सब लोग बैठे हुए हैं, हैं बच्चा पार्टी। कौन है जी आप लोग? अच्छा, आप स्टूडेंट्स हैं सारे? ओके। कहाँ कहाँ से आए हैं जी? गुलशन हदीद से आई हैं। अच्छा, क्या कब से सीख रही हैं? आपका नाम तो बता दें। सबा। पूरा नाम नहीं। सबा हमीद। हमीद तो मेरा, सबा हमीद कोई एक्ट्रेस नहीं है? है ना, आप भी नाम बता दें। अच्छा, इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, पंखे की आ रही है। हाँ, सब बिल्कुल मास्क विमेन जी। नाम? समरा। समरा, आपका भी सरनेम नहीं है? अबू वगैरह का नाम नहीं दे? अच्छा, फुल नेम समरा अमीन। अलीम? अमीन। अच्छा, तो क्या कब से सीख रही हैं, कहाँ से आई हैं? गार्डन के एरिया से। अच्छा, लॉन वगैरह गार्डनर हैं आप? नहीं नहीं। हाँ अच्छा, गार्डन से आई हैं तो लॉन माली का काम करती होंगी पहले, इससे पहले? अच्छा, एरिया में रहती हूँ। अच्छा, उस एरिया में रहती हैं। अच्छा, पौधों पौधों में बीच में, ठीक है। तो कब से सीख रही हैं? मैं पहले सीख चुकी हूँ कहीं और। अच्छा, हाँ। फिर वो पसंद नहीं आया, फिर मैं दोबारा सीखूंगी? हाँ नहीं, मतलब कुछ और न्यू सीखना। पहले ये शायद पौधों पौधों की कटाई करती होंगी ना, उसके बाद फिर बोला अब मैं बाल बाल काटूंगी। फिर प्लीज़ बी क्लियर। सवेरा मोहम्मद शफी। सवेरा मोहम्मद शफी जी। जी सवेरा जी, आप कहाँ से हैं? लियारी से। लियारी से, तो आप भी सीख रही हैं? कब से सीख रही हैं? एक मंथ कम्प्लीट हो गया। अच्छा, तो अभी आपको लगता है कि आप अपना पार्लर खोल लेंगी? इंशाल्लाह खोलेंगे। अरे यार, कॉन्फिडेंस दिखाओ। अभी तो हमारा सर्टिफिकेट लेवल चल रहा है, इंशाल्लाह डिप्लोमा करेंगे। डिप्लोमा के बाद? अच्छा, कहीं काम करेंगे या अपना खोलेंगी? काम में पहले तो काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह अपना। अच्छा, वैसे मेहंदी जो आपने खुद लगाई अपने हाथ पे? लो ये तो, ये देखो जी, फ्रेंड इन्हीं में से कोई फ्रेंड तो नहीं थी? नहीं। अच्छा, आपका क्या हाल है भाई, कौन है आप? मेरा नाम तहजीब जुनेजो है। तहजीब जुनेजो हैं। अच्छा जी, फिर कब से सीख रही हैं? महीना पूरा होने वाला। अच्छा, एक सेकेंड जी। जी, तो आप कब से सीख रही थी? तकरीबन एक महीना होने। सबको एक महीना ही हुआ है? अच्छा, ये सारे एक ही बैच के? सर्टिफिकेट कोर्स है इनका। अच्छा, सर्टिफिकेट को, और एक महीने का? कितने महीने का? टू वीक्स का। वो तो एक महीने से सीख रही हैं। टू वीक्स फॉर हेयर एंड टू वीक्स फॉर ब्यूटी। अच्छा, तो अच्छा, तो कौन ब्यूटी कर रहा है, कौन हेयर कर रहा है, मुझे ये पूछना चाहिए। दोनों कर रहे हैं? अच्छा, ओ मगर क्या लगता है आप लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये तो हेयर करेगी, वैसे भी पौधे पौधे काटती रही है वो गार्डन। अब ब्यूटी चल रहा है, अब सब खूबसूरत हो जाएंगे, चमक उठेंगे। ये एक बच्ची है या बड़ी है? वालेकुम सलाम। सना सियाल। तो आप ट्रेनर हैं या स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट, आप कहाँ से आएंगे? गुलशन हदीद। गुलशन हदीद से? बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग? यस। अच्छा, ये लोग सही सिखा रहे हैं आपको, लगता है कि वाह अब आप एक अच्छा सा पार्लर बना? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। नाम तो बता दें। सना सियाल। अच्छा, आपने बताया था, सॉरी मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, ठीक है। और ये ट्रेनर है या स्टूडेंट है? स्टूडेंट। स्टूडेंट कहाँ से आई, पहले नाम बता दें। सुमैरा यासीन के लिए आई हूँ। हैं? ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। वो तो वो, ये लोग भी आए हैं, ये चेहरे नज़र आ रहे हैं, सारे ट्रेनिंग वाले हैं, आप भी हैं? यस। अच्छा, तो क्या कहाँ से? शाहीन कॉम्प्लेक्स।
अच्छा ये तो इतना दूर नहीं है, तो हमारे हमारे दफ्तर के पास है, हमारा दफ्तर वहीं है, हाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स पे ही है, करीब करीब। अच्छा तो अच्छा लग रहा है आपको, एंजॉय कर रही हैं, कैसा ये क्या एक्सपीरियंस है, पहले आपने कुछ सीखा था? क्या दिल में क्या ख्याल आया कि नहीं, मगर आप लोग को क्यों ख्याल आया कि आप लोग को यही ट्रेनिंग चाहिए? कुछ क्योंकि आपने नहीं, जैसे आप सोच सकते हैं मैं कुछ और करूं, मैं ड्रेस डिजाइनर, इंटरेस्ट था अपने बाल बाल बचपन से कैंची लेके काटती वाटती थी यहाँ। देखा देखा इसकी शक्ल से लग रहा था, देखा मुझे पता था, ऐसे 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 बच्चे का कि ये असर होता है फिर, ये तो है। अच्छा जी चले, कहाँ है आपकी ट्रेनर सबसे बड़ी वाली? अच्छा तो आपने अपना नाम बताया था मुझे, सनिया खुरम जी, ये कैसे स्टूडेंट्स हैं? आपको लगता है कि नहीं ये किसी काबिल नहीं है, ये कुछ नहीं सीखेंगे? नहीं नहीं, डेफिनेटली पोटेंशियल है और डेफिनेटली करेंगे। अच्छा इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेनिंग में और एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग में इट्स अ वास्ट डिफरेंस। अच्छा तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग जब आप कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको आप मीट करते हैं। अच्छा। एक नॉर्मल ट्रेनिंग, एक नॉर्मल अगर सैलून से आप कुछ सीखते हैं, आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग। ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, हम इंटरनेशनल हो गए हैं पाकिस्तान में, क्लिफ्टन में। दैट्स द आयुष्री। ओके अपना भी कुछ तारुफ करा दें। माय नेम इज निशा शायान, मेरा नाम ये पूरे पार्लर का नाम ही निशा भाई। लो अब पता चला बहन, ओके होए ओनर, पाई लगू। अच्छा ओके, हम लोग यहाँ पे फाइव ट्रेनर्स हैं कराची में। अच्छा। वन इज मुनज़ा ज़ुल्फ़िकार, शी इज़ द सीईओ ऑफ एमबीए। अच्छा। मुनज़ा वक्त अकेडमी, और हमारी जो इंटरनेशनल एजुकेटर है मैम नयाना करुणा रत्नी, शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, जिनका IHP है। अच्छा। और एक हमारे साथ हमारे जो ट्रेनर है वो सानिया खुरम है जी। और एक मैं हूँ निशा शायान, और एक हमारे साथ सैफ ज़ुल्फ़िकार है जो हमारी मेल ट्रेनर है। अच्छा जी। तो मेल ट्रेनर क्या सिखाते हैं, क्या लोगों से ट्रेन लाइक लोगों को लाइक जैसे वो ये सिखाते होंगे ना कि भाई जब वो सारी हो गई ब्यूटी पार्लर का काम तो पैसे कैसे निकालने? नहीं नहीं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग है का मेकअप वगैरह वो सब ट्रेनिंग। रियली वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो भाई हम तो लेना चाह रहे हैं कोई तस्वीरें वगैरह, तो क्या किस तरह लें? आपकी तो CEO भी नहीं आ रही है वो बस। ओके अस्सलाम वालेकुम, सो आपने मेरा नाम बताया था मुझे, मुनज़ा ज़ुल्फ़िकार, आप यहाँ पे CEO हैं? जी बिल्कुल, मैं MBA की CEO हूँ। और MBA अच्छा MBA मुनज़ास वक्त अकेडमी, वक्त अकेडमी हमारा मेन। अच्छा वो बिजनेस वाला MBA नहीं है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा जी, और ये हमारा कराची का ब्रांच है जो हमारी ब्रांच निशा सैलून के पास है, और उनके पास हमारी कराची की ब्रांच एक्चुअली है, और इस वक्त हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जो ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये क्या ये बहुत पैसे दे के आए हैं बेचारे? आप लोग लूट लेते हैं स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते? एक्चुअली नहीं, इस वक्त तो जो हम हमारा जो भी बैच है आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टूडेंट्स का हमारा बैच है, और जैसे अभी एक्चुअली एग्जाम्स भी चल रहे हैं बोर्ड के, तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे एब्सेंट है, अदरवाइज हमारी पूरी कंप्लीट जो है वो होती है। हाँ एग्जैक्टली, हमारे सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ होते हैं, और इस वक्त हमारी टीम में है निशा फरहान जी, जी हमारे एजुकेटर हैं, इनसे मिल ली मैं जी, और सनिया खुरम एंड सैफ ज़ुल्फ़िकार। Okay. So, जी ये हमारे एजुकेटर्स हैं जो ये भी एजुकेटर्स हैं। yes. ये वही है जो हमने कहा था जी, exactly. ओ, ये तो, ये भी हमारे, मैं तो समझी थी कुछ बहुत ही कोई बहुत बड़े कोई बुजुर्ग साहब आएंगे। अच्छा नहीं जी, एक्चुअली इनके डिप्लोमास कंप्लीट है हमारे पास। अच्छा तो इनके ब्यूटी में हेयर में दोनों में डिप्लोमा हमारे कंप्लीट हुए हुए हैं, और ये जो भी हमारा बैच है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाह भाई मुफ्ते चल रहे हैं, ये तो मुझे पहले बताना था तुम लोगों ने, मुझे छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, पूरा नाम भी नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे कि ये बिल्कुल मुफ्ता चल रहा है, लंगर में सीख रहे हो तुम लोग। ठीक है जी, बस ये हमारे एक्चुअली
कोविड जब स्टार्ट हुआ तो हमने कुछ फैमिलीज इस तरह से देखी जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में आ चुकी थी. नॉट इवन सम जस्ट वो फैमिलीज बट इवन सैलॉन्स भी बंद हो चुके थे. बहुत सैलॉन्स बंद हो गए, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए और कुछ अभी बंद हो के खुले भी नहीं है. खुले नहीं है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये था कि ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे आप अपने जेब से निकालते हैं और सब कुछ, फिर सब कुछ इसी तरह से होता है. अगर आपकी सेविंग्स हैं या कुछ आप करना चाहें तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि बहुत सी जो फीमेल मेंबर्स जो फैमिली की हैं उन लोगों ने अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया कि जिनको काम आता था. तो फिर हमने कहा कि ठीक है, राशन ड्राइव्स भी चल रही थी, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी चल रही थी, बट हमने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपस में फ्रेंड्स मिलकर, दूसरी चीज़ें तो हम करते ही हैं कि लाइक अगर बच्चों की शादियां हैं या कुछ भी है, इस तरह से हम सपोर्ट करते रहते हैं, बट क्यों ना हम इस तरह से कुछ ऐसा करें कि स्किल्स दें, लड़कियों को स्किल्स दी जाएं, लड़कों को स्किल्स दी जाएं. ऐसा नहीं ये रहा ना, ये लड़के को स्किल मिल गई है. यस, तो लड़कियों को स्किल्स दी जाएं और फिर उन्हें हम जॉब्स प्रोवाइड करें. ठीक है, जॉब्स भी अब इसके बाद आप खुद इनको ढूंढेंगे. और इनके एक्चुअली क्योंकि ये कम्प्लीटली इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनसे किसी से भी पूछ सकते हैं. नॉट इवन अ सिंगल पेनी हमने किसी से, कोई प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए हमने अपने एजुकेटर्स के लिए. तो ये आय किस तरह से आए, प्रोसेस कैसा था? प्रोसेस इस तरह से होता है कि एक तो जो मिलके हम जितने लोग मिलके करते हैं तो उनमें हम फैमिलीज देखते हैं कि जो फैमिलीज इस तरह की जिनको कोई सपोर्ट नहीं है. मिलते कैसे आपको ये फैमिलीज, कहाँ ढूंढते हैं? ये डेटाबेस हमारे पास होता है. अच्छा, ये लोग खुद ही लिख रहे होते हैं आपको? ये हमें लिख रहे होते हैं. और जो जैसे कि अगर जो फैमिलीज हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, कुछ वो बोलती हैं कि भी हमारे गांव में या हमारे इन इन एरियाज में ये बच्चियां आप इनको जो है सिखाएं और फिर उनको आप दें अपने जॉब्स वगैरह पे रखें ताकि वो अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट बन सकें. okay. तो उन कुछ हमने कुछ उन्होंने मिलके हमने एक वो बनाया. एक इस तरह से हमने एक हैदराबाद का पहले एक बैच लिया, वो 13 स्टूडेंट्स का. okay. और यहाँ पे हमारा 8 to 9 स्टूडेंट्स का है. हमारा था टारगेट 10 स्टूडेंट्स का, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज बिल्ली जो है ना वो शेर की खाला है तो उसने उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया. आप सब इनको पेड़ पे चढ़ना भी सिखा देते तो आपके सामने ही सैलून खुलेंगे. ये 9 सैलून खुले होंगे, इसको बंद करा देंगे ये? नहीं नहीं, इंशाल्लाह. देखिए, हमारा अगर हम किसी का अच्छा सोचे तो कोई हमारा बुरा नहीं सोचे, ये हमारी अपनी सोच है. आगे तो लोगों का कट थ्रोट वर्ल्ड है, क्या मतलब है. ये देखे अभी तो ये अपना मुंह भी छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, असलियत अपनी सबने छुपाई हुई है. अभी आप देखेंगे माशाल्लाह से ये भी सब ग्रूम हुई है. आप इनसे सब खुद पूछेंगे. इनका हेयर का कोर्स हमने कम्प्लीट हम कर चुके हैं. जी जी, 2 हफ्ते का बता दिया, कम्प्लीट हो चुका. और ये अभी हम इनका स्किन स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये खुद इतना माशाल्लाह से ग्रूम हो गई कि अभी हमारी एक और कंपनी हमारे साथ अगर मुझे नहीं आइडिया कि हम नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते इस वक्त, बट ये है कि हमारे साथ बहुत इंटरनेशनल अच्छी कंपनीज जो हैं हमारी एकेडमी के साथ एफिलिएटेड है. हमने बाहर से भी अपने MBA को एफिलिएटेड कराया हुआ है और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी जी, वो श्रीलंका का भी मैंने कुछ सुना था. जी एग्जैक्टली, हमारी IHP की जो है श्रीलंकन बेस्ड है हमारा, जो जिनके साथ हमारा काम सारा चल रहा होता है. जो बच्चियां बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं या बाहर जाके काम करना चाहती हैं तो वो विदाउट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के नहीं कर सकती. अगर वो यहाँ से सिर्फ सीख कर जाती हैं तो अगर पर आवर उनके, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि $20 या $40 अगर उनको नॉर्मली वहाँ के सीखी हुई को पर आवर मिलता है, तो अगर हमारे पाकिस्तान से सीखी हुई जाती है तो उनको हार्डली $5 to $8 जो है वो उनको पर आवर देते हैं. मतलब लाइक 1/4 देते हैं, 3/4 उनको नहीं मिलता. पर जब अगर वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ जाते हैं तो उनको वहाँ जाके सिर्फ एग्जाम पास करना होता है और उनको वो सेम सैलरी वहाँ पे वो दे रहे होते हैं जो कि वो वहाँ के इंटरनेशनल सर्टिफिकेटेड जो भी बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनको देते हैं. तो ये सब हमारे, ये सर्टिफिकेट लेवल है. सर्टिफिकेट लेवल होता है हमारा बेसिक लेवल, उसके बाद हमारा डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा के बाद मास्टर क्लासेस होती हैं. तो इनको जो हमने सबने मिलकर जो एक पूल करके इनके लिए एक बजट बनाया जिसमें हमारी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मिल रही हैं और जो प्रोडक्ट की जो किट्स होती हैं वो हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने मिलकर हमें इतना सपोर्ट किया है तो उनको हम इनको वो सारा प्रोडक्ट जो है अवेल करके देते हैं जिससे कि ये सब कुछ सीखती हैं. मतलब लाइक 11 to 4 इनकी क्लास ऑन है. 11 to 4? Yes, 11 to 4. और कुछ खिलाते पिलाते हैं ये तुम लोगों को? हाँ,
लंच बॉक्सेस मिलाते हो यार तुम लोग कितना खाते क्या ऐसे क्या ऐसे हर चीज फ्री क्लासेस भी कर रहे हो ठीक है भाई अच्छा अच्छा सीखो थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम थैंक यू सो मच जिसका इंतजार था जो सेलिब्रेशन चल रही थी रानी डिश 77 चलू का जो मेरे साथ करीब 8 डेज बाय बाय।